हमारे देश की आत्मा हमारी संस्कृति में हमारे दर्शन में हमारी आस्था में हमारे आध्यात्म में बसती है। हमारी इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को विदेशी मानसिकता और तुष्टीकरण का खेल खेलने वालों ने खतरे में डाल दिया था। साथियों, ये भाजपा और एनडीए की सरकार है जिसने भारत के इस मूल को ना सिर्फ संरक्षित किया बल्कि पूरी दुनिया में प्रचारित किया, प्रसारित किया। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा सदियों से है, लेकिन पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाए, ये काम ये चौकीदार ने किया है। कुंभ भी हजारों साल से होता आ रहा है, लेकिन जो दिव्यता और भव्यता इस बार प्रयागराज में दिखी वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, अयोध्या में दीप तो हजारों वर्षों से जलते आए हैं, लेकिन अब जो दीपावली मनाई जाती है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है, देश का गौरव बढ़ता है। जब कोरिया की फर्स्ट लेडी, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी यहां अयोध्या में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आती है तो उसकी चर्चा सारे विश्व में होती है। जब आसियान समिट के दौरान वहां से आए कलाकार अपने अपने देशों में प्रचलित रामायण के अंश प्रस्तुत करते हैं तो सबकी नजर उनके पर ठहर जाती है। जब 26 जनवरी पहली बार हुआ, जब 26 जनवरी में विजय पथ पर झांकियां निकलती है, पहली बार एशिया के देशों की रामायण की प्रेरणा ये झांकियां नजर आई, हर देशवासी का सीना चौड़ा हो गया। और यहां जब नेपाल के जनकपुरी से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाई जाती है तो भी इसकी जगह चर्चा हर जगह होती है। बल्कि ये सौभाग्य तो मुझे खुद प्राप्त हुआ था। भाइयों और बहनों, अपने इस अमूल्य धरोहर को पहचानने के लिए संवेदना की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। हमने इस धरोहर को सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रखा बल्कि आर्थिक समृद्धि से जोड़ा, पर्यटन से जोड़ा है। साथियों, देश में अभी स्वदेश दर्शन नाम से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत देश में रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट सहित 15 सर्किट पर काम चल रहा है। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां भी प्रभु राम के निशान है उन सभी स्थानों को विकसित किया जा रहा है।